फ्रेंड्स आज हम प्लांट पैथोलॉजी में यूज की गई टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज टर्मिनोलॉजीज यूज इन प्लान पैथोलॉजी सबसे फर्स्ट है हमारे पास डिसीज़ कि डिशीज़ क्या होता है देखिए जब भी होस्ट प्लान्ट पैथोजन एंटर करता है तो उससे होस्ट प्लांट की फंक्शनिंग या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती है जिसका रिज़ल्ट उसकी ग्रोथ और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर होता है ठीक है तो ये हमने देखा डिसीज़ कि डिसीज़ का मतलब क्या होता है अब हम देखते हैं डिसडर नॉन इन्फेक्शस प्लांट डिसीज ड्यू टू एबायोटिक काजेस सच एज एडवर्ड सॉइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशन आर टर्म्ड एज डिसऑर्डर इट कॉज बाय लैक और एक्सेस ऑफ समथिंग टेम्परेचर पी एच लाइट एट्सट्रा दैट सपोर्ट लाइफ ठीक है देखिए मैंने बताया डिसीज़ का मतलब होता है पैथोजन की वजह से जो भी प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चेंज हो जाती है डिसडर का मतलब होता है जब ए बायोटिक की वजह से जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसका एग्जाम्पल है टेम्परेचर पी लाइट अगर इसकी वजह से जब प्लांट की एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती है तो इसे हम कहते हैं डिसऑर्डर डिसऑर्डर कभी भी डिसीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं होते वहीं जब डिसीज़ जो है डिसीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये हमने देखा डिसीज और डिसऑर्डर अब हम देखते हैं पैरासाइट कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है देखिए ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर मटेरियल द नीड फॉर ग्रोथ फ्रॉम लिविंग प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल के जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट ऑर्गेनिजम द मटेरियल द नीड फॉर ग्रोथ फ्रॉम लिविंग पैर प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट्स अब हम देखते हैं पैथोजेनिसिटी एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिसीज मतलब पैथोजन की क्षमता डिसीज को कॉज करने के लिए उसे हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी ये हमारे जे आर एफ और अदर कॉम्पिटिटिव का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि देखिए अब हम नेक्स्ट टर्म डिस डिस्कस करने वाले हैं पैथोजेनेसिस क्योंकि ये दो टर्म ऑलमोस्ट सेम रहती है तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ठीक है अब पैथोजेनेसिस देखते हैं पैथोजेनेसिस का मतलब है चेन ऑफ इवेंट दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इन द होस्ट देखिए पैथोजेनिसिटी का मतलब देखा कि पैथोजन की क्षमता कि एक पैथोजन में कितनी क्षमता है डिसीज को कॉज करने की पैथोजेनेसिस का मतलब होता है चेन ऑफ इवेंट कि जैसे ही किसी पैथोजन ने होस्ट के अंदर एंटर किया तो एंटर करने से उसके सिम्टम्स या सिंड्रोम दिखने तक जितने भी इवेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस एक और डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस इन डिसीज डेवलपमेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन पैथोजन एंड हिट्स होस्ट टू द कंप्लीटन ऑफ सिंड्रोम कि जब भी पैथोजन होस्ट में एंटर करता है तो उस उसके अंदर क्या क्या साइकिल होती है क्या क्या इवेंट्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस ठीक है अब नेक्स्ट है साइन कि साइन का क्या मतलब होता है देखिए द पैथोजन पैथोजन इट्स पार्ट और प्रोडक्ट सीन ऑन होस्ट प्लांट जब हम होस्ट पर किसी पैथोजन उसके किसी पार्ट को या उसके किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो होता है साइन इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल ठीक है पैथोजन में आएगा बैक्टीरियल सेल अगर हम उसके पार्ट अगर हम फंगस की हाइफी माइसिलियम या उसका कोई भी प्रोडक्ट दिखता है तो वो होता है पैथोजन नेक्स्ट सिम्टम्स द एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन और अल्टरनेशन ऑफ प्लांट एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिसीज़ देखिए क्या होता है जब भी किसी को डिसीज़ होती है तो उसके जो रिएक्शन से वो चेंज हो जाती है जो भी अपने इंटरनली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो चेंज हो जाता है तो उसका जो भी रिजल्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सिम्टम्स देखिए द एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन और अल्टरनेशन ऑफ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीज उसको हमने डिसी सिम्टम कहा नेक्स्ट है सिंड्रोम साइन एंड सिम्टम्स स्टडीड बोथ कॉल्ड सिंड्रोम देखिए साइन और सिम्टम्स दोनों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं सिंड्रोम देखिए साइन कभी भी देखे जाते हैं सिम्टम्स जो है वो कभी भी स्टडी किए जाते हैं और जब तो हम साइन और सिम्टम्स दोनों को साथ में स्टडी करते हैं तब हम उसे कहते हैं सिंड्रोम ये तो हमने सिंड्रोम देखा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोट्रॉफ कि बायोट्रॉफ का मतलब क्या होता है एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन लीव एंड मल्टीप्लाई ओनली ऑन अनादर लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मतलब पैरासाइट की बात कर रही है नेक्स्ट क्या लिखा है दे ऑलवेज ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग टिश्यू ऑन विच दे कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल देखिए बायोट्रॉफ का मतलब होता है कि ऐसे पैरासाइट्स जो दूसरे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको उसने अपना होस्ट बनाया है वो उसका पूरा वो अपना जो पैथोजन है वो अपना पूरा फूड होस्ट से लेगा और उसके होस्ट को वो कोई हानि नहीं पहुंचाता है वही नेक्स्ट है हेमी बायोट्रॉफ हेमी बायोट्रॉफ का मतलब है द पैरासाइट विच अटैक लिविंग टिश्यू बट कंटिन्यू टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आफ्टर टिश्यू इज डेड मतलब हेमीबायोट्रॉप और फल सेप्रोफाइड का मतलब क्या होता है पैरासाइट क्या है पहले टिश्यू पर लिविंग टिश्यू पर अटैक लिविंग टिश्यू पर अटैक करेगा अपना लिविंग टिश्यू पर अटैक करने के बाद वो लिविंग टिश्यू को मार देता है और उसके मारने वक्त के बाद क्या करता है वो अपना ग्रोथ के सारी चीज़ें ग्रोथ रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है और वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है नेक्स्ट टर्म है हमारे पास परथोट्राप्स और नेक्रोट्रॉप्स देखिए अभी अपन ने हेमी बायोट्रॉफ का मतलब क्या पढ़ा कि पहले जो पैरासाइट है वो होस्ट के अंदर जाएगा फिर उसको मार के अपना न्यूट्रिएंट कंप्लीट करेगा पर नेक्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है देखिए अब पैरासाइट किल्स द तो होस्ट टिश्यू इन एडवांस ऑफ पेनिट्रेशन एंड देन लिव सेप्रोफाइटिकली इसका मतलब होता है कि जो पैरासाइट है या जो पैथोजन है वो पहले ही वो लिविंग टिश्यू को मार देता है और उसके बाद वो लिविंग टिश्यू में एंटर करता है तो वो होता है नेक्रोट्रॉफ। यहाँ पर ने तीन चीज़ें देखी बायोट्रॉप में पैथोजन या पैरासाइट अपने होस्ट को कोई हार नहीं पहुँचाता है और बाय जो से हेमी बायोट्रॉप है उसमें क्या होता है पैथोजन पहले एंटर कर देता है फिर उसको मारता है और फिर वह रिप्रोड्यूस करता है और अपनी ग्रोथ करता है नेक्रोट्रॉप का मतलब क्या होता है वो पहले पहले टिश्यू को मारता है और फिर उसमें एंटर करता है और अपनी अपनी जो लाइफ साइकिल है यह कंप्लीट करता है या अपने ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता है वो हुआ पर्थोट्रॉप्स और नेक्रोट्रॉप्स नेक्स्ट टर्म है हमारी इनोक्यूलम देखिए इनोक्यूलम का मतलब क्या होता है इट इज़ पार्ट ऑफ पैथोजन विच ऑन कॉन्टैक्ट विथ ससेप्टिबल होस्ट प्लांट कॉज इन्फेक्शन देखिए यहाँ बोलते हैं पार्ट ऑफ पैथोजन कि कोई से भी पैथोजन का पार्ट जब वो किसी होस्ट प्लांट के कांटेक्ट में जाता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो उसे बोलते हैं इनोक्यूलम ठीक है फिर से बताएंगे कि जब भी कोई भी पैथोजन का पार्ट जब भी किसी होस्ट प्लांट के कांटेक्ट में जाएगा और फिर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा तो उसे कहते हैं इनोक्यूलम नेक्स्ट पॉइंट है इनोक्युलम पोटेंशियल की इनोक्योलम पोटेंशियल का क्या मतलब होता है किसी भी पैथोजन की पोटेंशियल या उसमें बोलते हैं किसी भी पैथोजन का पोटेंशियल जिससे वो होस्ट प्लांट में इन्फेक्शन क्रिएट कर सके उसे कहते हैं इनोक्युलम पोटेंशियल नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड देखिए इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब क्या होता है द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन पेनीट्रेशन ऑफ होस्ट बाई पैथोजन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑन द होस्ट इसका मतलब होता है जैसे ही जैसे ही पैथोजन एंट्री करता है एंट्री करने से सिम्टम दिखाने के बीच में जितने दिन का टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ठीक है अगर आज आज किसी पैथोजन ने किसी होस्ट में एंटर करा और 14 और 10 डेज के बाद उसने सिम्टम्स दिखाए तो ये 14 और 10 डेज का जो टाइम है इसको हम कहते हैं उसका इंक्यूबेशन पीरियड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीडिस्पोजिशन देखिए इट इज़ द एक्शन ऑफ सेट ऑफ इन्वायरमेंट प्रायर टू पेनिट्रेशन एंड इन्फेक्शन विच मेक्स द प्लांट वलनरेबल टू अटैक बाय पैथोजन प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि पैथोजोजन पैथ, पैन्यूट्रेशन और इन्फेक्शन करने से पहले जब इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन पूरी उस पै, पैथोजन की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो उसे कहते हैं हम प्री डिस्पोजिशन नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाइपर सेंसिविटी हाइपर सेंसिटिविटी देखिए क्या होता है एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट टिश्यू टू सर्टेन पैथोजन अफेक्टेड सेल्स आर किल्ड क्विकली ब्लॉकिंग द एडवांस ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे ही पैथोजन ने होस्ट में एंटर करा और एंटर करने के ठीक थोड़े टाइम बाद अगर उसके सेल्स होस्ट सेल के जो होस्ट के जो सेल्स है या टिश्यूज़ है अगर वो मर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि जो वो सेल्स है वो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि उसने जैसे ही एंटर करा वो मर गए ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेक्शन इट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग एंट्री और पेरीट्रेशन नेक्स्ट है इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइट विद इन अ होस्ट देखिए इन्फेक्शन का मतलब होता है जब पैरासाइट होस्ट में स्टैब्लिश हो जाता है तो उसे कहते हैं हम इन्फेक्शन फिर से वैन द Host इस सॉरी वेन द पैरसाइट इज इस्टैब्लिश्ड ऑन द होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्शन जब जो पैरासाइट है होस्ट में स्टैब्लिश हो गया तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टेमिक इन्फेक्शन देखिए सिस्टेमिक इन्फेक्शन का क्या मतलब हुआ द ग्रोथ ऑफ पैथोजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू वेरिंग एक्सटेंट विदाउट शोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑन टिश्यू थ्रू विच इट passes. देखिए सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो पैथोजन है अगर पैथोजन क्या है पॉइंट ऑफ एंट्री से अगर वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है वो उसके सारे टिश्यूज को ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं क्रिएट करता फिर से उसकी डेफिनेशन देखते हैं द ग्रोथ ऑफ पैथोजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू वेरिंग एक्सटेंट विदाउट शोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑन टिश्यू थ्रू विच इट पासिस मतलब जहाँ जहाँ से भी वो पैथोजन उसकी बॉडी से पास हुआ तो उसको हम कहते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन इसकी एक बात ये होती है कि ये पू जहाँ जहाँ से भी पास होता है तो वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करता नेक्स्ट है इन्वेजन एंड कोलोनाइजेशन देखिए आफ्टर इन्फेक्शन द पैथोजन ग्रोस थ्रू द टिश्यू ऑफ होस्ट टू वेरी एक्सटेंट ड्यूरिंग न्यूट्रीशन ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ जब भी इन्फेक्शन करने के बाद अपने ग्रोथ के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए जब जो पैथोजन है होस्ट में रहता है ठीक है उसको अपन कहते हैं इन्फेशन एंड कोलोनाइजेशन मतलब वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करता है वो अपना पूरा न्यूट्रियट लेता है इन्फेक्शन करने के बाद तो वो होता है इन्वेशन एंड कोलोनाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। देखिए द एक्सटेंट टू विच अ प्लांट प्रिवेंट एंट्री और सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ़ पैथोजन विद इन इट्स टिश्यू मतलब ये प्लांट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब प्लांट किसी भी पैथोजन की एंट्री को ही रोक देता है और मतलब पै, पैथोजन की एंट्री को रोक देता है उसके टिश्यूज में तो वो क्या होता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी अभी हमने हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करा अब नेक्स्ट है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है दूसरा वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है देखिए हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होता है देखते हैं व्हेन इट इज इवनली स्प्रेड अगेंस्ट ऑल रेसिस और पैथोजन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऐसा रेजिस्टेंस जो उस पर उस सभी रेसिस के लिए हो तो वो होता है हॉरिजॉन्टल रजिस्टेंस वर्टिकल रजिस्टेंस का क्या मतलब होता है वैन इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट देखिए वैन इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वन और फ्यू रेसेस बट नॉट अगेंस्ट अदर मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो पर्टिकुलर एक या दो रेसेस के लिए हो तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस वहीं पर अगर कोई रेजिस्टेंस पूरे सभी पैथोजन और सभी रेसेस के लिए है तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये तो हमने रेजिस्टेंस के दो टाइप देखे अब नेक्स्ट है जनरल रेजिस्टेंस कि जनरल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है इट इज़ नोन अंडर अ नंबर ऑफ सच एज पार्शियल रेजिस्टेंस रेस नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस फील्ड रेजिस्टेंस एट्सेट्रा मतलब सभी टाइप के रजिस्टेंस को साथ में मिला के हमने जनरल रजिस्टेंस टर्म दी है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टमिक एक्वायर्ड रजिस्टेंस रजिस्टेंस ट्रिगर्ड इन प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इट कैन भी लोकल एले आर कन्फाइंड टू फ्यू सेल्स और सिस्टेमिक हैविंग बीन मूव थ्रू आउट द प्लांट सिस्टेमिक एक्वायर्ड रजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम प्लांट ही प्लांट को किसी तरह बाहर से रजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं या हम प्लांट में ऐसी कुछ चीज़ दें जिससे उससे रजिस्टेंस क्रिएट हो जाए तो वो होता है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एक्वायर मतलब लेना बाहर से हम जब रेजिस्टेंस लेते हैं किसी भी फॉर्म में जैसे हम बचपन में इंजेक्शंस लेते हैं एच आई के तो वो क्या करता है हमारे अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वैसे ही जब हम प्लांट्स में रजिस्टेंस देते हैं तो उसे कहते हैं हम सिस्टम एक्वायर्ड रजिस्टेंस यहाँ पे उसको दो पार्ट में डिवाइड कराए एल ए मतलब लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और दूसरा सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अगर वो कुछ पर्टिकुलर सेल्स के लिए है तो हमने वहाँ उसको लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहा है और अगर वो पूरे प्लांट पूरे प्लांट पार्ट के लिए है तो वो होता है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। यहाँ हमने रेजिस्टेंस के बारे में देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई प्लांट अपने अंदर ऐसी क्षमता बना लेता है जिससे कि कोई भी उस पर अटैक ना कर पाए तो वो होता है रेजिस्टेंस वहाँ हमने उसके दो टाइप देखे एक होता है हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल उसके बाद हमने देखा जनरल रेजिस्टेंस उसके बाद हमने देखा सिस्टम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉलरेंस कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है देखिए इट इज अ टाइप ऑफ डिफेंस दैट मिनिमाइज क्रॉप लॉस विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग डिशीज डेवलपमेंट देखिए ये प्लांट का एक ऐसा डिफेंस मेकेानिज्म होता है जिसमें कि वो क्रॉप लॉस कम से कम कर देता है वो टॉलरेट करते जाता है डिसीज के डेवलपमेंट को तो उसे हम कहते हैं टॉलरेंस नेक्स्ट है डिसीज एस्केप इट इज द एबिलिटी ऑफ एन अदरवाइज ससेप्टेबल प्लांट टू अवॉइड डेमेजिंग स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द वेट ग्रोस मतलब ये जो ससेप्टिबल प्लांट होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो जो डैमेज स्ट्रेस है उसको अवॉइड करते जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसीज एस्केप कि जो हमको प्रॉब्लम है उसको हमने अवॉइड कर दिया ठीक है तो वो होता है डिसीज एस्केप नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिसटर्स एलिसटर्स क्या होते हैं दिज आर दिग्नल्स

कुछ केमिकल सिग्नल्स जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वो अपना मेटाबॉलिक शिफ्ट कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिसिटर्स यहाँ पे मेनली फाइटो एलेक्सिन प्रोडक्शन की बात की गई है ये हमने देखा एलिसिटर्स तो आज हमने कुछ टर्म्स देखे जो मेनली प्लांट पैथोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं ठीक है हमने स्टार्टिंग से हमने देखा देखिए स्टार्टिंग से हमने क्या देखा डिसीज डिसऑर्डर पैथोजेनेसिस पैथोजेनिसिटी ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू